ओम शांति। अव्यक्त मुरली 54 जो बाबा ने 28 मई 1970 को सुनाई थी। अव्यक्त मुरली का विषय है हाई जंप देने के लिए हल्का बनो। हाई जंप देने के लिए हल्का बनो। हाई जंप देना माना एकदम ऊंचाई को प्राप्त करना, एकदम ऊंचाई को प्राप्त करना। कौन सा समर्पण है? समर्पण समारोह तो नहीं है ना, प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा आते ही। कौन सा समर्पण है? समर्पण समारोह तो नहीं है ना। इस समारोह का नाम क्या है? ये है इन्होंने अपने जीवन का फैसला करने का समारोह रखा है। अपने जीवन का फैसला करने का समारोह। फैसला किया नहीं है, करने का है। अभी एग्रीमेंट करनी होगी, फिर होगी एंगेजमेंट। पहले होगा एग्रीमेंट, फिर होगी एंगेजमेंट, इसके बाद फिर संपूर्ण होने का समारोह होगा। अभी यहां पहली स्टेज पर आई हो, अभी एग्रीमेंट करना है, इसलिए सभी आए हो ना, आए हैं ना, जीवन का फैसला करने आए हो वा नहीं। बाप दादा भी हर एक का साहस देख रहे हैं। अब कोई बात का साहस रखा जाता है तो साहस के साथ और कुछ भी करना पड़ता है, और कुछ भी करना पड़ता है। कई बातें सामना करने के लिए आती हैं, साहस रखा और माया का सामना करना शुरू हो जाता है। इसलिए सामना करने के लिए हिम्मत भी पहले से ही अपने में रखनी है। साहस रखा है तो माया सामना करने के लिए आएगी, इसलिए माया का सामना करने के लिए हिम्मत भी पहले से रखनी है। ये सभी सामना करने के लिए तैयार हैं। कोई भी परीक्षा किस भी रूप में आए, परीक्षा को पास करने के लिए अगर हाई जंप देने का अभ्यास होगा तो कोई भी परीक्षा को पास कर लेंगे। तो ये हाई जंप लगाने वाला ग्रुप है जो समझते हैं हम हाई जंप देने वाले हैं, वो हाथ उठाएं। ये तो सभी साहस रखने में नंबर 1 है। इन्हों को बताना हाई जंप किसको कहते हैं, इसका पहला लक्षण कौन सा है, उसको अंदर बाहर हल्कापन महसूस होगा। कि हाई जंप देने वाला हल्का होना जरूरी है। एक है अंदर से हल्का, अपनी अवस्था का हल्कापन, दूसरा है बाहर का हल्कापन। बाहर में सभी कनेक्शन में आना पड़ता है, एक दो के संबंध संपर्क में आना होता है। तो अंदर भी हल्कापन और बाहर भी हल्कापन। हल्कापन होगा तो हाई जंप दे सकेंगे। इस ग्रुप को ऐसा हल्का बनाना जो वहां भी जाएं तो हिल मिल जाए। इतना साहस है,
अगर इतनी सभी कुमारियां समर्पण हो जाएं तो क्या हो जाएगा? इस भट्टी से ऐसा होकर निकलना जो जैसा भी कोई हो, जहां भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, उन सभी का सामना कर सके। क्योंकि समस्याओं को मिटाने वाले बनकर निकलना है। इस भट्टी में से समस्याओं को मिटाने वाला बनकर निकलना है, ना कि खुद समस्या बन जाना है। कई कोई तो समस्याओं को मिटाने वाले होते हैं, कोई फिर खुद ही समस्या बन जाते हैं। तो खुद समस्या ना बनना, लेकिन समस्याओं को मिटाने वाले बनना है। फिर बाप दादा इस ग्रुप का नाम क्या रखेंगे? कर्म करने के पहले नाम रखते हैं ना, इसलिए कि जैसा नाम वैसा काम कर दिखाएंगे। इतने उम्मीदवार हो ना, कहते हैं ना, बड़े छोटे बाप समान। ये ग्रुप भी बहुत लाडला है, उम्मीदवार है। साहस के कारण ही बाप दादा इस ग्रुप का नाम रखते हैं शूरवीर ग्रुप। शूरवीर ग्रुप, जैसा नाम है वैसा ही सदैव हर कार्य शूरवीर समान करना। कब कायर नहीं बनना, कमजोरी नहीं दिखाना। काली का पूजन देखा है? जैसे काली दल है ना, वैसे इस सारे ग्रुप को फिर काली दल बनना है। एक एक काली रूप जब बनेगी तब समस्याओं का सामना कर सकेंगी। विशेष कुमारियों को शीतला नहीं बनना है, काली बनना है। शीतला भी किस रूप में बनना है वे अर्थ भी तो समझती हो, लेकिन जब सर्विस पर हो, कर्तव्य पर हो, तो काली रूप चाहिए। काली रूप होगी तो काली भी किस पर बलि नहीं चढ़ेगी। लेकिन अनेकों को अपने ऊपर बलि चढ़ाएगी। कोई पर भी स्वयं बलि नहीं चढ़ना, लेकिन अपने ऊपर अर्थात जिसके ऊपर आप सभी बलि चढ़ी हो, उन पर ही सभी को बलि चढ़ाना। सबको शिव बाबा पर बलि चढ़ाना है। ऐसी काली अगर बन गई तो फिर अनेकों की समस्याओं का हल कर सकेंगी। बहुत कड़ा रूप चाहिए। माया का कोई विघ्न सामने आने का साहस न रख सके। जब कुमारियां काली रूप बन जाए तब सर्विस की सफलता हो, तो इन सभी कालीपन का लक्षण सुनाना। सदैव एक रस स्थिति रहे और विघ्नों को भी हटा सके। इसके लिए सदैव दो बातें अपने सामने रखनी है, जैसे एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति रखते हैं। वैसे एक तरफ विनाश के नगाड़े सामने रखो और दूसरी तरफ अपने राज्य के नजारे सामने रखो। दोनों ही साथ में बुद्धि में रखो, दोनों एक साथ, विनाश भी स्थापना भी, नगाड़े भी नजारे भी,
तब कोई भी विघ्न को सहज पार कर सकेंगी। जो कार्य कोई ग्रुप ने नहीं किया, वे कार्य इस ग्रुप को करके दिखाना है, कमाल करके दिखाना है। सदैव एक दो के स्नेही और सहयोगी भी बनकर चलेंगे तो सफलता का सितारा आप सभी के मस्तिष्क पर चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। वहां भी स्नेह व सहयोग देने में कमी नहीं करना। स्नेह और सहयोग दोनों जब आपस में मिलते हैं तो शक्ति की प्राप्ति होती है, जिस शक्ति से फिर सफलता प्राप्त होती है। इसलिए इन दोनों बातों का ध्यान रखना। जो आपके जड़ चित्रों का गायन है कि देवियां एक नजर से असुरों का श्रृंगार कर देती, वैसे एक सेकंड में कोई भी आसुरी संस्कार का श्रृंगार करने वाली श्रृंगारकारी मूरत बनना है। अब ये बात देखना कि जहां श्रृंगार करना है वहां रचना नहीं रच लेना, और जहां रचना रचनी है वहां श्रृंगार नहीं करना। जहां मास्टर ब्रह्मा बनना है वहां मास्टर शंकर नहीं बनना। ये बुद्धि में ज्ञान चाहिए। कहाँ मास्टर ब्रह्मा बनना है, कहाँ मास्टर शंकर बनना है। अगर रचना करने वाली करने बदली विनाश कर देते तो भी रॉन्ग, और अगर विनाश के बदली रचना कर लेते तो भी रॉन्ग। कहानी सुनी है ना, जब उल्टा कार्य किया तो बिच्छू टुंडन पैदा हुए। तो यहां भी अगर संहार की बजाय उल्टी रचना रच ली तो व्यर्थ संकल्प बिच्छू टिंडन मिसल बन पड़ेंगे। तो ऐसी रचना नहीं रचना जो स्वयं को भी काटे और दूसरों को भी काटे। ऐसी रचना रचने से सावधान रहना। जिस समय जिस कार्य की आवश्यकता है उस समय वही कर्तव्य करना। समय चला गया तो फिर संपूर्ण बन नहीं सकेंगे। समय चला गया तो फिर संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। तो इस ग्रुप को बहुत जल्दी जल्दी एग्रीमेंट बात एंगेजमेंट करना है। सेवा केंद्रों पर सर्विस में लग जाना ये एंगेजमेंट होती है। फिर सर्विस में सफलता पूरी हुई तो तीसरा समारोह है, संपूर्ण संपन्न बनने का। तीनों समारोह जल्दी का दिखाना है। छोटे जास्ती तेज जा सकते हैं, सिक्की लदे लाडले भी छोटे होते हैं ना। इसलिए इस ग्रुप को प्रैक्टिकल में दिखाना है। हिम्मत है ना, हिम्मत के साथ उल्लास भी रखना है। कभी हार नहीं खाना, लेकिन अपने को हार बनाकर
गले में पिरोना है। किसके गले में? बाबा के गले में। अगर गले में पिरोए जाएंगे तो फिर कभी हार नहीं खाएंगे। जब हार खाने का मौका आए तो ये याद रखना कि हार खाने वाले नहीं हैं, लेकिन बाप दादा के गले का हार है। छोटे छोटे कोमल पत्ते जो होते हैं उनको चिड़ियाएं बहुत खाती हैं। क्यों? क्योंकि कोमल होते हैं तो खाने में मज़ा आता है, इसलिए संभाल रखनी है। जब अपने को एक के आगे अर्पण कर लिया, शिव बाबा पर कुर्बान कर दिया, तो और कोई के आगे संकल्प से भी अर्पण नहीं होना है। संकल्प भी बहुत धोखा देता है। जो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं तो उनको क्या करते हैं? काला टीका लगा देते हैं। इसलिए इस ग्रुप को भी टीका लगाना है, जो कोई की भी नजर ना लगे। तिलक का अर्थ तो समझते हो ना? जैसे तिलक मस्तक में टिक जाता है, वैसे जो भी बातें निकली का सभी सदैव स्थिति में स्थित रहे, इसका ये तिलक है। मैं आत्मा हूं ये स्मृति में रहे, ये सभी बात स्थिति में स्थित हो जाए, तब राज तिलक मिलेगा। स्थिति कौन सी चाहिए? वे तो समझते हैं ना। इस ग्रुप को ये स्लोगन याद रखना है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, असफलता नहीं, असफलता नहीं। सफलता का ही श्रृंगार करना है, नयनों में भी, मुख से भी, मस्तक से भी सफलता का स्वरूप देखने में आए। संकल्प भी सफलता का, और दूसरे जो भी कार्य हो उसमें सफलता हो। सफलता ही जन्म सिद्ध अधिकार हो, ये है इस ग्रुप का स्लोगन। भट्टी में पढ़ने से सभी कुछ बदल जाता है, सबसे छोटी और ही शो करती है, सबसे छोटी और ही शो करती है। पूनम बाप दादा के आगे बैठी है, जिसमें कोई उम्मीद नहीं होती, वे और ही उम्मीदवार दिखलाते हैं। ये कमाल कर दिखाएगी। बाल भवन का एक ही यादगार है, यादगार को हमेशा शोकेस में रखा जाता है, तो अपने को सदैव शोकेस में रखना है। अगर एक छोटी ने कमाल की तो इस सारे ग्रुप का नाम बाला हो जाएगा। अब जो स्लोगन बताया का वे करके दिखाना, छोटों को बड़ा कर्तव्य कर दिखाना है। इनसे सभी से एग्रीमेंट लिखवाना, कोई भी विघ्न आए, कैसी भी समस्या आए, लेकिन और कोई पर भी बलि नहीं चढ़ेंगे। सच्चा पक्का वायदा है ना? जैसे बीज बोने के बाद उसको जल दिया जाता है, तब वृक्ष रूप में फलीभूत होता है। इस रीति ये भी जो प्रतिज्ञा करते हैं, फिर इसको जल कौन सा देना है? प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए संघ भी चाहिए,
और साथ भी साथ साथ अपनी हिम्मत भी। संग और हिम्मत दोनों के आधार से पार हो जाएंगे। ऐसा पक्का ठप्पा लगाना जो सिवाय वाया परम धाम वैकुंठ और कहां ना चली जाएं। जैसे गवर्नमेंट सील लगाती है तो उसको कोई खोल नहीं सकता, वैसे हर एक को ऑलमाइटी गवर्नमेंट की सील हर एक को लगाना है। इस ग्रुप से कोई भी कमजोर हुआ तो इन सभी के पत्र आएंगे, समझा? अच्छा, और कोई प्रश्न हो तो संपर्क करें 9213106986 पर। ओके, ओम शांति।